अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको 26 जनवरी की परेड पर नहीं बुलाया गया। वो तो 26 जनवरी के परेड का विरोध करते हैं, तो जो 26 जनवरी के परेड का विरोध करे मतलब हमारे देश के गणतंत्रता का विरोध करे। पता नहीं उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बुलाया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो गणतंत्र दिवस का विरोध करे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को जोरदार टक्कर दे रही है? अभी भी मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में ही है। बहुत बहुत आगे बढ़ गई है बीजेपी, और हम लोग इस समय 55 की सोच रहे हैं, वो लोग इस समय 20 की सोच रहे होंगे। क्या आपको इस समय कोई गीत याद आता है किरण बेदी जी के लिए? ये देखिए, गीत तो पूरी दिल्ली गा रही है और एक अच्छे माहौल में सब कुछ हो रहा है। आज गीत नहीं गाऊंगा, गीत गाऊंगा 7 फरवरी के बाद। 10 फरवरी को गीत नहीं गाएंगे आप? नहीं, 10 को गाऊंगा, 7 फरवरी के बाद गाऊंगा। अभी तो लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठा के लोगों के समक्ष रख लूं कि बीजेपी कैसे आपको समस्याओं से निजात दिलाएगी। सर, कितना बदला किरण बेदी के आने के बाद? मुकाबला थोड़ा रोचक हुआ है। अब देखिए ना, किरण बेदी जी के आने के बाद जो दहशत दिख रही है आम आदमी पार्टी में, आप उसको कोई मशीन हो तो नापिए। ये थे मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि किरण बेदी के मैदान में आने के बाद में जो दहशत दिख रही है आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घबराए हुए, आप उसको नाप के देखो। और जहां तक गीत की बात, उन्होंने कहा 10 फरवरी को विजय गीत गाएंगे वो किरण बेदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैमरामैन मोहित के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।